Antana daksam dika electrician trade ITI stall tang tu chan dika mam zahra juksuk ka se jere di school la simon la diri solar drip irrigation ya dika anti di stall pa tang sta di chiz kar lain. हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो सोलर ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। कैसा? हमने छोटी सी कोशिश की है एग्रीकल्चर को और अपने जो दो मेन हमारी प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी, कैसा इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो मेन प्रॉब्लम हमारा है कि जैसे एग्रीकल्चर के लिए पानी की किल्लत ज्यादा होती है, काफी टाइम पे अगर बर्फ नहीं पड़ती है बिल्कुल उस टाइम पे हमें पानी की प्रॉब्लम होती है, तो हम सारी पूरी फसल कल्टीवेट नहीं कर पाते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मेन हम लोगों ने क्या किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है हमने ड्रिप इरिगेशन। दैट मीन्स कि हम पानी को यहाँ से ड्रिप करवा के हमारे अपने खेतों तक पहुँचा सके। अब पानी जो है वो हमारा मेन सोर्स हमारी दरिया रिवर है, यहाँ से हम पानी लिफ्ट करवाएंगे अपने एक किसी डैम में जी। यहाँ से हम मोटर लगा के पानी को रिजर्व करेंगे एक रिजर्वायर में जी जी। इस रिजर्वायर से फिर हम अपनी फसलों को अपने खेतों को पानी जो है ड्रिप करवा सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरी बात ये इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जहाँ जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे सिर्फ लोगों को कल्टीवेशन के लिए पानी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, जनरेट होगा जी जी जी। उस पूरे एरिया को पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से मिल पाएगी। तो हमारा छोटा सा ये प्रोजेक्ट उसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है जी। जैसे आपने कहा कि ये ड्रिप इरिगेशन है, अब जब हमने इसमें इसको सेव किया लाइक वाटर को तो उसके बाद ड्रिप इसमें कैसे करना है फील्ड्स में? ये पानी आया यहाँ से फिर हम यहाँ से ड्रिप का मतलब है हम हर जगह पाइप्स की कनेक्शन देंगे जी जी जी। बट यहाँ पे हमें पानी निकल नहीं रहा है इसलिए हमने पाइप यहाँ तक ही रखा जी जी जी। यहाँ पे जैसे ही पानी भरेगा जी 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 उसके बाद यहाँ से पानी जो है वो ड्रिप होके खेतों में जाएगा जी जी जी। यहाँ से फिर ड्रिप होके वो खेतों में पानी चला जी जी जी। तो इससे मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो पानी है वो ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ पानी जाएगा जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। So this is the electrician trade of ITI Kargil.